आकाश पूरी लगन से अपना मोदी केयर व्यापार खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने अपने अधीन एक अच्छा खासा डाउनलाइन ग्रुप भी तैयार किया है जो इसी व्यापार में शामिल है। वो खुद के लिए और अपने अधीन काम करने वाले डाउनलाइन ग्रुप के लिए उन सबसे अच्छे तरीकों को समझना चाहते हैं ताकि व्यापार को दीर्घकालीन स्थिरता प्रदान करने में मदद मिल सके। व्यापार में संचालन एवं आचरण से संबंधित नियमों के बारे में आकाश के कुछ सवाल भी हैं, जिसके लिए उन्होंने मोदी केयर से संपर्क किया है। हेलो आकाश, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हेलो नेहा, मैं ये समझ चुका हूँ कि इस व्यापार में नेतृत्व महत्वपूर्ण है। एक अच्छे लीडर से क्या उम्मीदें की जाती हैं? आप सही सोच रहे हैं आकाश। जैसा कि आप जानते हैं कि ये व्यापार लोगों से जुड़ा है, इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हम अपने अधीन काम कर रहे लोगों के सामने अच्छे उदाहरण पेश करें ताकि वे उनका पालन कर सकें। अगर हम अपना व्यापार सही तरीके से करते हैं तो उससे हमारे डाउनलाइन के लोगों को सही दिशा मिलती है। उन लोगों का ध्यान हमेशा हम पर ही होता है, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वास्तव में एक अच्छे लीडर के तौर पर खुद को पेश करें। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, तो एक अच्छे लीडर को पता होना चाहिए कि उसके अधीन काम करने वालों के क्या सपने हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करने की प्लानिंग करने में वे मदद कर सके, साथ ही वे अपने अधीन काम करने के लिए लोगों को प्रशिक्षण दे सके, प्रेरित कर सके, कोच बन सके या अपने नीचे काम करने वालों को मोदी केयर की फ्री मीटिंग में ले जा सके ताकि वे इसके प्रोडक्ट और उसके इस्तेमाल के बारे में अपना ज्ञान बढ़ा सके। उन्हें कंपनी के सभी प्रमोशंस सुनिश्चित करने होंगे। अपने ग्रुप को सभी ऑफर्स के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए। लीडर को अपने अधीन काम करने वालों को स्वतंत्र रूप से ऑर्डर डालने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वाह, ये तो काफी अच्छा है। जी आकाश, एक अच्छे लीडर को अपने ग्रुप को सिर्फ MRP पर प्रोडक्ट बेचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कोई महिला या पुरुष उतना ही खरीदेंगे जितना वे बेच सकते हैं या सेवन कर सकते हैं, और साथ ही अपने अधीन काम करने वालों को ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एक लीडर को नीति संहिता और व्यापार के नियमों का पालन करना चाहिए। ये सुनिश्चित करें कि उनके ग्रुप के सभी कंसल्टेंट इसे सही तरीके से स्वीकार करें। मैं अपने ग्रुप के लिए एक अच्छा प्रेरणा स्रोत और लीडर बनना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूटरशिप का क्या मतलब है। आवेदक या सह आवेदक यानी एप्लीकेंट या को एप्लीकेंट के तौर पर आप सिंगल डिस्ट्रीब्यूटरशिप नियम के तहत सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप ही पा सकते हैं। पति और पत्नी एक ही संस्था के माने जाएंगे। अगर उन दोनों को व्यापार के साथ जुड़ना है तो उन्हें एक ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप का हिस्सा बनना होगा। अगर व्यापार सिर्फ पत्नी के नाम पर हो तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में पति को व्यापार में बराबर का जिम्मेदार माना जाएगा। साथ ही स्पॉन्सरशिप बिजनेस की अलग अलग लाइनों में अपनी एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप का संचालन करने वाले दो कंसल्टेंट अगर एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या उससे ऊपर के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, तो इनमें से एक को अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को सरेंडर करना होगा और अपने पति या पत्नी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप में पार्टनर बनना होगा। क्या मैं अपनी सास का नाम रजिस्टर करके उनके नाम से काम कर सकता हूँ? जी हाँ आकाश, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मोदी केयर किसी भी तरह के सम्मान के लिए स्टेज पर आपकी सास को ही मान्यता देगा। नियमों के मुताबिक हम रजिस्टर्ड MCA नंबर यानी मोदी केयर कंसल्टेंट ID को ही स्वीकार करते हैं। अच्छा ठीक है, क्या मैं अपने मित्र के साथ सह आवेदक यानी को एप्लीकेंट बन सकता हूँ? एक कंसल्टेंट सिर्फ एक ही MCA नंबर का इस्तेमाल कर सकता है। एक कंसल्टेंट किसी एक रजिस्ट्रेशन नंबर का एप्लीकेंट होते हुए दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर पर को एप्लीकेंट नहीं बन सकता। ठीक उसी तरह जैसे कि आप किसी एक रजिस्ट्रेशन नंबर पर को एप्लीकेंट हैं, तो किसी अन्य रजिस्ट्रेशन नंबर पर
एप्लीकेंट नहीं बन सकते। अगर मोदी केयर का कंसल्टेंट दो डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेता है तो क्या होगा? हम दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप रद्द कर देंगे। साथ ही अगर दूसरे व्यापार के तहत ग्रुप बनाकर किसी को भी किसी प्रकार का प्रलोभन देने के सबूत मिलते हैं, तो इस स्थिति में उसके स्पॉन्सरशिप की ओरिजिनल लाइन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रलोभन, ये क्या होता है? प्रलोभन या लालच का मतलब है कि कोई मोदी केयर कंसल्टेंट किसी अन्य ग्रुप के कंसल्टेंट को अपना व्यापार छोड़ने के लिए उकसाता है और वो व्यक्ति बिना इस्तीफा दिए उसके ग्रुप में तय नियमों को तोड़ते हुए शामिल हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे कि हर्ष दूसरे ग्रुप के विवेक से संपर्क करके उसे ऑफर देता है कि वो एक महीने में उसे सीनियर डायरेक्टर के लेवल तक पहुँचा देगा। विवेक उत्साहित होकर हर्ष के ग्रुप के तहत डुअल डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेता है और मोदी केयर के पास विवेक के खिलाफ ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने की शिकायत आती है, तो कंपनी विवेक को वापस उसकी ओरिजिनल स्पॉन्सर या अपलाइन में भेज देगा। इस मामले में चूंकि हर्ष ने विवेक को लालच दिया था, इसलिए मोदी केयर द्वारा दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के अधीन वाले डाउनलाइन ग्रुप को ओरिजिनल स्पॉन्सर या विवेक के अपलाइन में भेज दिया जाएगा। अगर मुझे अपनी अपलाइन बदलनी है तो इसके लिए किस प्रक्रिया का पालन करना होगा? मोदी केयर स्पॉन्सरशिप बदलने या ट्रांसफर करने के किसी भी निवेदन को सख्ती से मना करती है। मोदी केयर द्वारा मोदी केयर कंसल्टेंट को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गुजारिश करने, जबरन बीच में पड़ने या किसी दूसरे मोदी केयर कंसल्टेंट को उसकी लाइन से अलग जुड़ने के लिए लालच देने की अनुमति नहीं देता। मैंने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में काफी सुना है, क्या आप इस बारे में मुझे विस्तार से समझा सकती हैं? हमारे व्यापार के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो संवेदनशील हो सकती हैं। नियमों के पालन में अनदेखी से हमारे व्यापार, प्रतिष्ठा, कंपनी के अन्य कंसल्टेंट्स के व्यापार पर बुरा असर हो सकता है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का पूरा जोर इस बात पर होता है कि व्यापार के नियमों का उल्लंघन ना हो तथा कंपनी द्वारा बनाए गए नीतिगत नियमों की अनदेखी ना हो। नियमों के विरुद्ध काम करने वाले कंसल्टेंट के प्रति किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। मौजूदा समय में 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाती है। पहला क्षेत्र, रिटेल दुकान या ऑनलाइन स्टोर पर मोदी केयर के प्रोडक्ट की बिक्री और प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। हम प्रत्यक्ष तौर पर बिक्री करते हैं और मोदी केयर कंसल्टेंट के जरिए हम प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। किसी और तरह से प्रोडक्ट की रिटेलिंग की इजाजत नहीं है। लेकिन क्या कंपनी नहीं चाहती कि बिक्री अधिक हो? हम चाहते हैं कि बिक्री सही तरीके से की जाए। रिटेल दुकान या ऑनलाइन स्टोर्स के जरिए बिक्री करना मोदी केयर कंसल्टेंट को प्रत्यक्ष रूप से एक समान कमाई का मौका देने के लिए बनाए गए बुनियादी नियम के खिलाफ है। दूसरी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ये है कि कोई भी कंसल्टेंट किसी ऐसे व्यक्ति को बिना अनुमति ईमेल, मैसेज या किसी भी तरह की जानकारी नहीं भेज सकता या बिना वजह संपर्क नहीं कर सकता जिसके साथ व्यक्तिगत या व्यापारिक संबंध ना हो। तीसरी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी BSN से जुड़ी है। मोदी केयर कंसल्टेंट कंपनी से जुड़ने की प्रक्रिया के तहत या बिना इजाजत लिए कोई ट्रेनिंग या सपोर्ट मटेरियल नहीं दे सकता। मैं अपने डाउनलाइन ग्रुप में अच्छा लीडर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक बार ये दोहरा दूं कि मुझे अपनी डाउनलाइंस में ट्रेनिंग देनी होगी और उनके साथ कंपनी से जुड़ी नई जानकारियां भी साझा करनी होगी। मुझे समीर मोदी आजादी प्लान में मौजूद आचार संहिता का पालन करना होगा। मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ प्रोडक्ट्स की बिक्री कंसल्टेंट के जरिए ही हो, न कि किसी दुकान या ऑनलाइन स्टोर्स के जरिए। जी बिल्कुल आकाश, आप सही कह रहे हैं। वाह नेहा, ये जानकारी मेरे लिए काफी मददगार रही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका स्वागत है आकाश। हम सलाह देते हैं कि आप इन श्रेष्ठ कार्य पद्धतियों को अपने ग्रुप में साझा करें। शुभकामनाएं।